Hello everyone, welcome to Shruti Academy. Today we will learn how to convert centimeters into millimeters and millimeters into centimeters, means vice versa. अगर हम रूलर को देखें, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है सेंटीमीटर. सो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे वन है. सो ज़ीरो से वन तक कितना हो गया 1 सेंटीमीटर. ज़ीरो से 2 तक 2 सेंटीमीटर. ज़ीरो से 3 तक 3 सेंटीमीटर. ज़ीरो से 4 तक 4 सेंटीमीटर. ज़ीरो से लेके 5 तक 5 सेंटीमीटर. ज़ीरो से लेके 6 तक 6. ज़ीरो से 7 सेंटीमीटर. फिर 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, है ना. आप अगर हम इसको ध्यान से देखें कि लाइक देखो यहाँ पे 2 से लेके 3 तक कितने सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर है ना. अगर हम इस 1 सेंटीमीटर को ध्यान से देखें तो इसके क्या है 10 स्मॉलर पार्ट्स भी हैं, है ना. आप देखो 1 से लेके 2 तक कितने सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर है ना. अब ये जो 1 सेंटीमीटर है इसके अंदर जो है 10 स्मॉलर यूनिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. इस हर एक स्मॉलर यूनिट को हम क्या कहते हैं मिलीमीटर, मीन्स 1 मिलीमीटर. ओके, सो लाइक ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर, है ना. सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 सेंटीमीटर है वो कितने मिलीमीटर के इक्वल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. 10 मिलीमीटर के इक्वल है. देखो यहाँ पे 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 6 7 8 9 और 10. 10 मिलीमीटर बन के क्या बन जाएगा 1 सेंटीमीटर, है ना. सो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है 10 मिलीमीटर के इक्वल है. सो ये रिलेशनशिप है सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर के बीच में कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है 10 मिलीमीटर के इक्वल है. ओके और इसी तरीके से अगर मेरे को निकालना हो 1 मिलीमीटर. सो 1 मिलीमीटर क्या है 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट है ना, है ना, 10th पार्ट है. तो हम लिख सकते हैं कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर टोटल जो है सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं 10 और 1 मिलीमीटर क्या है उसका 1 पार्ट है. सो हम लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर्स. ओके, अब हम जो है अपने एक सराउंडिंग से एक ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पे हम जो है सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों यूनिट का जो है यूज़ करेंगे. सो मैंने क्या लिया, एक पेंसिल ली. अगर मैं इसके लेंथ को मेजर करूं, सो इसकी लेंथ कितनी आ रही है 14.5 सेंटीमीटर, है ना. ये देखो यहाँ पे रखी मैंने पेंसिल और इसको मेजर किया. सो ये आ रहा है 14.5 सेंटीमीटर. पर अगर मैं इस पेंसिल की टिप को मेजर करूं, ठीक है, सो ये क्या है < a सेंटीमीटर है. तो a सेंटीमीटर होगा तो इट मीन्स हम किस में मेजर करेंगे मिलीमीटर में मेजर करेंगे. सो अगर मैं इसको अगर टिप को मेजर करूं, सो ये कितना आ रहा है 6 मिलीमीटर, है ना. सो लेंथ ऑफ अ पेंसिल हमारे पास कितनी आई 14.5 सेंटीमीटर, बट लेंथ ऑफ अ पेंसिल टिप, लेंथ ऑफ अ पेंसिल टिप वो कितनी आई 6 मिलीमीटर. इट मीन्स कि हम दोनों सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों यूनिट का जो यूज़ है वो मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए कर रहे हैं, है ना. सो ये दोनों यूनिट किसकी हुई मेजरमेंट ऑफ लेंथ की यूनिट्स जो है हुई. ओके अब हमें जो है 15 सेंटीमीटर को जो है मिलीमीटर्स में कन्वर्ट जो है करना है. अब हमें पता है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल है 10 मिलीमीटर्स के इक्वल है, है ना. सो 15 बनाना है, 1 को बनाना है 15, तो 15 क्या कर देंगे मल्टीप्लाई. सो इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं. सो 1 और 15 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 सेंटीमीटर. यहाँ पे एक ज़ीरो है, ज़ीरो एज इट इज़, और 1/15 से कितना होता है 15. सो 15 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया 150 मिलीमीटर के. ओके अब हमें जो है 12 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर्स को जो है मिलीमीटर्स में जो है कन्वर्ट करना है। यहाँ पे है 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे है 8 मिलीमीटर, मीन्स ये ऑलरेडी जो है मिलीमीटर में है। सो हम क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें 8 मिलीमीटर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 10 मिलीमीटर के। सो 12 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। सो ये हो गया 100 एज इट इज़ 1 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो आ गया 120 मिलीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर को जब हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो आया 120 मिलीमीटर। सो हम क्या करेंगे, 120 मिलीमीटर में प्लस कर देंगे किसको, 8 मिलीमीटर को। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 128 मिलीमीटर, है ना। इसी तो इस तरीके से हम जो है सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे या फिर सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स को मिलीमीटर्स में जो है कन्वर्ट करेंगे। अब हमें जो है 40 मिलीमीटर्स को जो है सेंटीमीटर्स में जो है कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1/10 सेंटीमीटर। मीन्स 1 मिलीमीटर जो है वो 1/10 पार्ट है किसका, 1 सेंटीमीटर का, है ना। सो 1 की जगह 40 लिख देंगे, 40 क्योंकि हमने इधर 40 से मल्टीप्लाई किया, अब इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 40 × 1 = 40। अब हमारे पास हम 40/10 आ गया, मीन्स 40 को डिवाइड करना है किससे, 10 से। 10 के टेबल में 40 कब आता है, 4 पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, 4 आ गया। तो आप डिवाइड भी कर सकते हो या कैंसिल भी कर सकते हो, लाइक 0 और 0 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो आंसर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। सो 40 मिलीमीटर किसके इक्वल हो गया, 4 सेंटीमीटर के। अब हमें कन्वर्ट करना है 72 मिलीलीटर्स को किसमें, सेंटीमीटर्स में। अब हमें पता है कि 1 मिलीमीटर किसके इक्वल है, 1/10 सेंटीमीटर के। सो 72 मिलीमीटर किसके इक्वल हो गया, 1 को 72 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 72/10 सेंटीमीटर। सो 72/10 का मतलब क्या है कि 72 को हमें किससे डिवाइड करना है, 10 से करना है। सो हमने लिखा 72 और ये लिखा 10। अब 10 की टेबल में 72 आता है, नहीं आता। इससे कम क्या आता है, 70 आता है। और कब आता है, 7 पे। सो आ गया 70। अब माइनस कर देंगे, सो 2 - 0 2, 7 - 7 0। तो जो जब भी हम डिवाइड करते हैं जो क्वेश्चन होता है वो हमारा क्या होता है, आंसर होता है ना। सो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। पर यहाँ पे जो है रिमाइंडर भी बच गया। रिमाइंडर का मतलब क्या है कि ये जो है और डिवाइड नहीं हुआ तो ये क्या हुआ, बच गया। तो जो चीज़ बच गई तो वो जो एक्चुअल यूनिट में थी उसी में तो आएगी, है ना। सो जो 2 है वो क्या हो गया, मिलीमीटर में ही जो है रहा, है ना। अब इसमें जो है आपको जो है डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है आप एक शॉर्टकट भी जो है यूज़ कर सकते हो। और वो शॉर्टकट क्या है कि हमें जब भी किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो जो लास्ट डिजिट होती है वो क्या होती है, रिमाइंडर होती है। या फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि 1 0 1 0 है तो जो एक डिजिट है वो क्या हो जाएगी, रिमाइंडर। तो आप 7 हो गया हमारा क्वेश्चन और 2 हो गया हमारा रिमाइंडर, है ना। अब सपोज़ मुझे 86 मिलीमीटर को जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सो 1 की जगह 86 आ गया, 86 तो इधर भी 86 आ गया, 86/10। अब हम यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 है। सो एक डिजिट जो लास्ट की डिजिट है वो क्या हो जाएगी, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो एज इट इज़ एक्चुअल यूनिट में रहेगा। और 8 क्या आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन। सो 8 आ गया हमारा सेंटीमीटर में। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। ओके, सो इस तरीके से जो है हम जो है ईजिली सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर्स में एंड मिलीमीटर्स को सेंटीमीटर्स में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। Okay, if you like my video then don't forget to like and share my video. Thank you for watching my video.